हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सो आज हम बनाने वाले हैं एक बॉल, जैसे आप देख सकते हैं, और मैंने ये कार के ट्यूब से बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो पे कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेंगे कुछ इस तरीके का एक कार का ट्यूब, जैसे आप देख सकते हैं, और इसको कट कर लेंगे हम इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कट कर लेंगे 3 पीसेस पे, जैसे आप देख सकते हैं, और जितने भी पीसेस पड़े हैं पीछे इन सबको भी कट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया सारे को। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लेंगे एक कंपास, ऐसे देख सकते हैं, और इसको हम मेज़र कर लेंगे 4 सेंटीमीटर पे, और एक पीस लेंगे एक ट्यूब का, और इस तरीके से इसको सर्कल कर लेंगे जैसे आप देख सकते हैं, और इसको हम कट कर लेंगे पूरे सर्कल पे। और फ्रेंड्स हमें एक ही कट नहीं करना, जो जितना भी पड़े हुए हैं पीछे इन सबको हमें कट कर लेना है कुछ इस तरीके से सर्कल पे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पूरा सर्कल पे कट कर लिया सारों को। और इसके बाद हम लेंगे कुछ इस तरीके का एक सैंड पेपर, और इसके ऊपर पे हमें घिस लेना है इस तरीके से। जितना आप अच्छा घिसोगे इसके ऊपर उतना अच्छा आपका बॉल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स घिसते रहो। फ्रेंड्स आपको बोथ साइड पे घिस लेना है इसको। सो फ्रेंड्स मैंने घिस लिया इसको बोथ साइड पे, आप देख सकते हैं, और इन सबको भी इसी तरीके से घिस लेना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने इन सबको पूरा घिस लिया दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स अब लेंगे हम इस तरीके का एक ग्लू, जैसे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो ग्लू है ये पंचर वाले जो यूज़ करते हैं वही वाला ग्लू है, आप किसी भी हार्डवेयर से खरीद सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स आपको इतना बड़ा डब्बा भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अगर 20 रुपये वाला ट्यूब भी लेंगे तो भी अच्छा खासा काम चल जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इन दोनों पीस पे इस तरीके से लगा लेना है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 4 पीस पे लगाया इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से दोनों पीस को इस तरीके से चिपका देंगे, और ऊपर से थोड़ा बहुत इस तरीके से हैमर कर लेंगे तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। और बाकी के 2 पीस को भी इस तरीके से चिपका लिया मैंने। और फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से 2-2 चिपका लेना है, और इन सबको कुछ इस तरीके से सबको चिपका लेना है। और फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं मैंने चिपका लिया इसको, आपको भी इसी तरीके से अच्छी तरह से चिपका लेना है। और ये फ्रेंड्स बहुत हार्ड चिपकता है, ये निकलता नहीं है आराम से, ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है। और फ्रेंड्स अब इसको हम इस तरीके से राउंड शेप पे कट करेंगे, और इसको राउंड शेप पे कट करने के लिए हम लेंगे इस तरीके का एक नॉर्मल ब्लेड, और हम कट करेंगे कुछ इस तरीके से ऊपर से थोड़ा राउंड शेप पे। तो फ्रेंड्स आपको इसको कट करना है जब तक इसका शेप राउंड ना बन जाए। और फ्रेंड्स मैं हमेशा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से जल्दी जाके एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपको इस वीडियो पे कोई भी कमी लगे, आपको लगे कि ये चीज़ इम्प्रूव होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे वो चीज़ इम्प्रूव करके आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो बॉल है वो काफ़ी देर से कटने के बाद राउंड शेप पे आने लगा है। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी तरीके से कट कर लेना है राउंड शेप पे। सो फ्रेंड्स फाइनली जैसे आप देख सकते हैं हमारा बॉल जो है राउंड शेप पे आ गया है। और अब हम लेंगे कुछ इस तरीके का एक सैंड पेपर, और इसको साइड साइड से थोड़ा थोड़ा घिस देंगे। और फ्रेंड्स थोड़ी देर घिसने के बाद मुझे लगा कि इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा, और इसका जो फिनिशिंग है ये बहुत माइनर सा है, और बहुत माइनर सा फिनिशिंग है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा बॉल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कितना जम करता है कितना नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए टेस्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं हमारा बॉल जो है कितनी अच्छी तरीके से जम कर रहा है, और इसका बाउंस कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से घर पे कोई भी कार के ट्यूब से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा मगर आपका बॉल अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।